2014 के बाद किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, 2014 के बाद देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई, 2014 के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई। मैं इनको सेलिब्रिटीज नहीं कहता, ये चाटुकार हैं, ये सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हैं। टी एक्ट्रेस ने, इन्हीं तरह के कुछ लोगों ने भाजपा की चाटुकारिता, उनके तलवे चाटने के चक्कर में इस देश के अन्नदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी बताया। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ना ये सेलिब्रिटी कहलाने लायक है, ना ये एक्टर एक्ट्रेस कहलाने लायक है, ये कुछ कहलाने लायक नहीं है। ये है तो सिर्फ चाटुकार है, ये तलवे चाटते हैं बीजेपी आर एस एस वालों के, और कुछ नहीं करते। रोजगार के लिए सवाल पूछेगा तो ये क्या कहेंगे, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये चाटुकार, उसको आतंकवादी बता देंगे, उसको खालिस्तानी बता देंगे, उसको उग्रवादी, और उसको ये कहते हैं कि वो आजादी नहीं थी, वो तो भीख में कुछ चीज मिली थी। ये कहते हैं कि 2014 में देश को इसलिए आजादी मिली। इनका एजेंडा है कि बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल की हां में हां मिलाना। कल परसों जो अभी ये अवार्ड मिलने के बाद एक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जो बोला कि भाई 1947 में तो आजादी जो थी वो भीख में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली, ये बातें कह के उस एक्ट्रेस ने हमारे आजादी के आंदोलन का, आजादी के आंदोलन में शहीद हुए लाखों, 6 लाख से अधिक शूरवीरों और वीरांगनाओं का अपमान किया है। ये बात कह के उसने महात्मा गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, तमाम इन लोगों का अपमान करने का काम उस महिला ने, उस एक्ट्रेस ने किया है। और हम बहुत पहले ये बात कह रहे थे, आज से कुछ समय पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था लगभग 1 साल पहले, तो इसी एक्ट्रेस ने, इन्हीं तरह के कुछ लोगों ने भाजपा की चाटुकारिता, उनके तलवे चाटने के चक्कर में इस देश के अन्नदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी बताया था। तरह तरह के भद्दे आरोप लगाए थे किसान समाज पे, किसान आंदोलन के ऊपर। और तब हमने कहा था, ये विनती की थी सब लोगों से कि आप सब एकजुट होइए, आप सब खड़े होइए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, यदि आज आप चुप रहोगे तो कल आपका भी नंबर आएगा। जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, मैं इनको सेलिब्रिटीज नहीं कहता, ये चाटुकार हैं, ये सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हैं, इन लोगों ने जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, आज आजादी के आंदोलन को ये बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल को ये हर उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे, जो व्यक्ति न्याय के लिए खड़ा होगा, जो व्यक्ति ईमानदारी के लिए, जो व्यक्ति हक और अधिकार के लिए खड़ा होगा। यदि कल को एक आम आदमी जिसके पास रोजगार नहीं होगा, यदि वो अपने रोजगार के लिए सवाल पूछेगा तो ये क्या कहेंगे, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये चाटुकार, उसको आतंकवादी बता देंगे, उसको खालिस्तानी बता देंगे, उसको उग्रवादी बता देंगे। इस तरीके से मतलब इनका एजेंडा क्या है, इनका एजेंडा है कि बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल की हां में हां मिलाना। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ना ये सेलिब्रिटी कहलाने लायक है, ना ये एक्टर एक्ट्रेस कहलाने लायक है, ये कुछ कहलाने लायक नहीं है। ये है तो सिर्फ चाटुकार हैं, ये तलवे चाटते हैं बीजेपी आरएसएस वालों के, और कुछ नहीं करते। और ये एक्ट्रेस ये बात जान ले कि भीख में तो सिर्फ अवार्ड मिल सकता है, जो ये अवार्ड मिले हैं ना, ये भीख में मिल सकते हैं, आजादी की लड़ाई भीख में नहीं जीती जाती, आजादी भीख में नहीं मिलती। आजादी के लिए 6 लाख से अधिक नौजवानों ने, नवयुवतियों ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। शायद ये भूल गए, इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, इन बीजेपी आरएसएस वालों का खुद का कुछ इतिहास है नहीं, तो इसलिए ये समझते हैं कि दूसरों का भी नहीं होगा। इनको मालूम होना चाहिए कि किसान मजदूरों को, हजारों लाखों की संख्या में किसान मजदूरों को अंग्रेजों ने गांव के बाहर पेड़ों पे फांसी पे लटका दिया था, एक एक महीने तक उनकी लाश नहीं उतरने दी थी, लोगों में भय पैदा करने के लिए, उन्हें खौफ पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने इतने क्रूर नरसंहार किए थे। जलियांवाला बाग कांड ये अंग्रेजों ने किया था ताकि भारत को आजादी ना मिल सके, और उसको ये कहते हैं कि वो आजादी नहीं थी, वो तो भीख में कुछ चीज मिली थी। ये कहते हैं कि 2014 में देश को इसलिए आजादी मिली, क्या मिला, 2014 के बाद किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, 2014 के बाद देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई, 2014 के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई, 2014 के बाद देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे, जातिवाद के नाम पे लोगों को बांट दिया गया, तो क्या यह है।
शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी वो ऐसा मुल्क बनाने के लिए दी थी जहां पे किसान को उसका अधिकार हो, जहां नौजवान को उसका अधिकार हो, जो सब लोग मिलजुल के रहें, समाज को और भारत को मजबूत बनाने की तरफ काम करें। तो मेरा सब साथियों से हाथ जोड़े के अंत में यही निवेदन है कि आवाज़ उठाइए, आज आप